नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ और गाइस आज हम बात करने वाले हैं निविया के एक बहुत ही बेहतरीन डिओड्रेंट के बारे में। तो मैं बात कर रहा हूँ निविया के डीप इम्पैक्ट के बारे में। एक बहुत ही ज़बरदस्त डिओड्रेंट है निविया की तरफ से। मुझे बहुत समय से इसके बारे में रिक्वेस्ट भी आ रहा था। कुछ समय पहले मैंने इसे परचेस किया है और कुछ टाइम से मैं इसे यूज़ करता हूँ। तो आज जानेंगे कैसा ये डिओड्रेंट और बाकी सारी डिटेल्स। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर कंसिडर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो गाइस शुरू करते हैं निविया के डीप इम्पैक्ट से। पैकेजिंग की तरफ अगर हम आ जाए तो इधर कुछ सेम तरीके से निविया का लोगो दिया गया है, इधर डीप इम्पैक्ट लिखा गया है, 48 आवर्स का प्रोटेक्शन है, डिओड्रेंट है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इधर ब्लैक कार्बन दिया गया है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं जो लिखा गया है, ब्लैक कार्बन इधर लिखा गया है। पीछे डायरेक्शन ऑफ यूज़ और कुछ अदर डिटेल्स दिए गए हैं। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेंशन की गई है कि नो अल्कोहल वाला ये डिओड्रेंट है, 0% अल्कोहल का इसके पीछे डिस्क्रिप्शन में हमको मेंशन मिल जाता है। बाकी MRP जो है इसकी ये 210 रुपीज़ की है। अगर हम ऊपर की तरफ आ जाए तो कैप जो है वो अलग से एक कैप नहीं दिया गया है। डिओड्रेंट ऐसे लॉक हो जाता है और ऐसे ओपन होता है। ऊपर प्रेस करने पे डिओड्राइज़र जो है वो स्प्रे होता है, काफ़ी दूर तक बढ़िया तरीके से स्प्रे करता है। ये वाला जो है ये एक गैस वाला डिओड्रेंट है। डिओड्रेंट के बारे में अगर हम कुछ और जाने तो ये एक एंटीपर्स्पिरेंट डिओड्रेंट इसे माना जाता है। एंटीपर्स्पिरेंट डिओड्रेंट क्या होते हैं गाइस, कि वो जो कि पर्स्पिरेशन जो होता है, मतलब जो पसीना होता है उसको काउंटर करने वाले को हम एंटीपर्स्पिरेंट कहते हैं। तो इन जनरल भी डिओड्रेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर थोड़ा सा एंटीपर्स्पिरेंट जैसा ही काम करते हैं, बट ये स्पेसिफिकली एंटीपर्स्पिरेंट डिओड्रेंट है। डीप इम्पैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो डीप इम्पैक्ट वाला जो निविया की तरफ से, वो निविया के जो कुछ पहले के डिओड्रेंट है जैसे कि फ्रेश बूस्ट हो गया, प्रोटेक्ट एंड केयर हो गए, उन डिओड्रेंट से थोड़ा सा और ज़्यादा पावरफुल मिल जाता है हमको। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो डीप इम्पैक्ट वाली सीरीज़ में निविया वालों ने ब्लैक कार्बन का इस्तेमाल किया है। इस सीरीज़ में हमको शावर जेल मिल जाता है, शेविंग क्रीम मिल जाता है, रोल ऑन मिल जाता है, आफ्टर शेव मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे डीप इम्पैक्ट वाले सीरीज़ में हमको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और एक नया सीरीज़ किस्म का ये लोग ने लॉन्च किया जिसमें कि ब्लैक कार्बन का यूज़ किया गया है। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया है कि पीछे की तरफ ये लोग ने चारकोल पाउडर का भी मेंशन किया है, जिसका कि ऑफकोर्स ब्लैक कार्बन है तो चारकोल पाउडर का भी इन लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब पहले के जो निविया के डिओड्रेंट्स होते थे उससे हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि ये थोड़ा बेटर परफॉर्मिंग है, मगर इन जनरल जो निविया के डिओड्रेंट होते हैं वो उनकी खासियत ही यही होती है कि वो पसीने को बहुत बढ़िया तरीके से काउंटर करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें तो निविया के डिओड्रेंट स्किन फ्रेंडली बहुत ज़्यादा होते हैं। जनरली भी उनमें अल्कोहल का यूज़ जो होता है वो कम ही होता है, बट इस डीप इम्पैक्ट में हमको 0% अल्कोहल मिल जाता है। तो जनरली क्या होता है कि अल्कोहल वाले जो परफ्यूम्स है वो लगाने से कभी कभी स्किन रिएक्ट कर जाता है, बहुत सारे लोगों को दाग भी आते हैं और काला भी कभी कभी पड़ जाता है स्किन। तो उससे हमको काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है अगर अल्कोहल फ्री है। वैसे काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि कुछ अल्कोहल फ्री हमको फ्रेग्रेंसेस बताइए, तो डीप इम्पैक्ट को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। निविया डीप इम्पैक्ट के अगर नोट्स की हम बात करें तो इसके स्पेसिफिक नोट्स नहीं दिए गए हैं, मगर इसके नोट्स में वुडी नोट्स का इस्तेमाल किया गया है। फ्रेश नोट्स ऑब्वियसली एक एंटीपर्स्पिरेंट है, डिओड्राइजर है, तो फ्रेश नोट्स का इस्तेमाल किया गया है। ओरिएंटल स्पाइसी नोट्स का भी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया गया है, और माइल्ड फ्लोरल नोट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो गाइस अब स्मेल पे आ जाते हैं। गाइस तो स्मेल करने पे हमको क्या पता चलता है, तो स्मेल पे हमको एक स्ट्रॉन्ग फ्रेशनेस मिल जाता है जो कि ड्राई डाउन में हल्का फुल्का हमको वुडी नोट्स मिल जाते हैं इसके जो इन्ग्रीडियंट्स है उसकी वजह से, प्लस इसमें ब्लैक कार्बन का भी इस्तेमाल किया गया है, चारकोल पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया है, तो वो एक उसका एक एसेंस मिल जाता है हमको, मगर मेनली एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है। अगर नोटिस करना है आपको तो आपको आफ्टर शेव जैसी वाइब इसमें बहुत ही बढ़िया आ जाएगी। आफ्टर शेव जैसी वाइब के अगर आप कुछ डिओड्रेंट्स ढूंढ रहे हैं तो निविया का डीप इम्पैक्ट एक बहुत ही बढ़िया चॉइस हो जाएगा। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ गाइस कि कभी कभी इसको स्प्रे करने पे एक वाइट लेयर जैसा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक वाइट लेयर फॉर्म हो जाता है।
इसे आप ये देख सकते हैं कि ये वाइट लेयर इसलिए होता है गाइस, क्योंकि ये एक लेयर जैसा फॉर्म कर देता है आर्मपिट्स के एरिया में, ताकि पसीना जो है उसको अच्छे से वो रोक सके। एक टैल्कम पाउडर जैसा इफेक्ट जो होता है, जो कि टैल्कम पाउडर जो काम करता है एक लेयर बना देता है, ड्राई करता है पसीने को, उसी किस्म का इसका भी इफेक्ट हमको मिल जाता है। तो अगर वाइटिश एक लेयर फॉर्म हो तो उसे आपको चिंता नहीं करना है, बस यही समझिए कि टैल्कम पाउडर जैसा इसका इफेक्ट होता है क्योंकि वो एक लेयर बना देता है। डिओड्रेंट में भी ये मेंशन किया गया है कि आपको ये डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करना है, क्योंकि 0% अल्कोहल है, स्किन को ये इफेक्ट नहीं करता, स्किन फ्रेंडली है, इसलिए डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करना है, कपड़ों पे नहीं अप्लाई करना है क्योंकि दाग रह जाएगा, और प्लस ये कपड़ों पे उतना अच्छा वर्क भी नहीं करेगा क्योंकि इसका काम है पसीने को रोकना, तो वो डायरेक्टली स्किन पे ही, अंडर आर्म्स पे ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से वर्क करेगा। अब आ जाते हैं गाइस प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में। तो एमआरपी जो है इसकी 210 रुपए की है, मगर ऑनलाइन चेक करने पर हमको 150 से लेके 160 रुपए के आसपास, ये जनरली 150 में ही हमको निविया का डीप इंपैक्ट मिल जाता है। तो प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में 150 ml की क्वांटिटी 150 रुपए में मैं अच्छा मानूंगा, अच्छा चॉइस है ये। अब किसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, तो गाइज जिन लोगों को स्किन के लिए कुछ एक स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट चाहिए, स्किन की इरिटेशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस हो जाएगा। फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में जिनको एक बढ़िया डिओड्रेंट चाहिए उनके लिए भी काफ़ी अच्छा चॉइस हो जाएगा, और आफ्टर शेव वाली जो एक एसेंस होती है वो अगर उनको चाहिए तो ये उसका भी काम अच्छे से कर देगा। तो निविया डीप इंपैक्ट एक ऐसा किस्म का एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है जो कि फ्रेशनेस से भरा हुआ है। एक मैं ऐसा कह सकता हूँ कि शावर लेने के बाद अगर आप एक ऑल डे फ्रेशनेस चाहते हैं तो ये उसका काम काफ़ी बढ़िया तरीके से करेगा। एक ऑल डे फ्रेशनेस पसीने को काउंटर करने के लिए अच्छा करेगा। फ्रेश किस्म का जो मैस्कुलिन फ्रेग्रेंसेस होते हैं ये उस कैटेगरी में आता है, मैस्कुलिन है मगर आफ्टर शेव वाइब की वजह से फ्रेशनेस उस किस्म का है जिसमें कि आफ्टर शेव का वाइब आ जाता है हमको, तो उस हिसाब का एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस आपको मिल जा रहा है। टाइम ऑफ ईयर की अगर गाइस मैं बात करूँ तो ये मॉर्निंग टाइम में नहाने के बाद काम पे जाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। ह्यूमिड क्लाइमेट्स जो होते हैं उनमें अच्छा खासा ये वर्क करेगा, गर्मी के मौसम में भी अच्छा वर्क करेगा, मॉर्निंग टाइम में तो किसी भी मौसम में अच्छा वर्क करेगा ये। तो गाइस निविया डीप इंपैक्ट जो है इसके अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो मेरे ख्याल से यंग से लेके मिडिल एज तक जो भी मॉर्निंग के टाइम में एक फ्रेशनेस मेंटेन करना चाहते हैं अपने पूरे दिन के लिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेग्रेंस है। पसीने के लिए अगर कोई, स्वेट के लिए अगर कोई काउंटर ढूंढ रहे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो जो एंटीपर्सपिरेंट होते हैं, डिओड्राइजर होते हैं, वो हाई प्रोजेक्टिंग नहीं होते मगर इनिशियल 1 से 1.5 घंटे की हमको प्रोजेक्शन मिल जाती है। लास्टिंग वैसे तो 4 से 5 घंटे की मिलती है मगर इसका जो एक सियाज है, एक एसेंस जो है जो कि दिन भर निकलने के बाद भी जो आपको पसीना फील नहीं होने देता है वो पूरा दिन रहता है, ये मुझे मानना पड़ेगा। एंटी पर्सपिरेशन का काम जो स्वेट को काउंटर करने का काम है वो निविया के डिओड्रेंट वैसे भी बहुत अच्छा करते हैं, और डीप इंपैक्ट जो है वो इनके बाकी डिओड्रेंट से मुझे ज़्यादा पावरफुल लगा है, ज़्यादा इफेक्टिव लगा है, जैसे कि फ्रेश बूस्ट हो गया, प्रोटेक्ट एंड केयर हो गए, उनसे ज़्यादा मुझे डीप इंपैक्ट जो है वो पावरफुल लगा है। तो इसमें ब्लैक कार्बन का इस्तेमाल किया गया है, वो मेरे ख्याल से एक काफ़ी यूनिक कॉम्पोनेंट हमको मिल जाता है जो कि आजकल काफ़ी सारे फेस पैक्स और दूसरे किस्म के भी प्रोडक्ट्स में हमको देखने मिलता है। उसके जो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है वो काफ़ी अच्छे से हमको निविया के डिओड्रेंट में देखने मिल जाती है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चॉइस होगा, ये एक अच्छा परचेज होगा अगर इस किस्म के फ्रेग्रेंस की आपको तलाश है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं। इस अगर आप निविया के डीप इंपैक्ट के दूसरे भी जो प्रोडक्ट्स है जैसे कि इसका शेविंग क्रीम हो गया, रोल ऑन हो गए, ये सारे के बारे में अगर आप कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनके भी वीडियोस आपके लिए जल्द ही लेके आऊं। तो गाइज यही था आज का वीडियो, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।